फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक अननोन कॉल्स या फिर जो भी कॉल है आप किसी को भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जो आपका आया गया होगा कॉल उसे भी ब्लॉक कर सकते हो। मेरा हिस्ट्री में ऐसे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जो सेव होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखता है, तो आपको एक क्लिक में कर सकते हैं ब्लॉक। तो चलेंगे और मैं ये भी बताऊंगा, डेडिकेटेड आप चाहते हैं एक नंबर को ब्लॉक करना तो भी कर सकते हैं, आप सभी कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आगे बढ़ने से पहले, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायल पैड में जाना होगा अपने सैमसंग डिवाइस के। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला 3 डॉट दिखेगा, उसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद ये इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, जो आपका कॉल रिंग है इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर में आपको ब्लॉक दिखेगा, बैक करने के बाद आएंगे तो। अब ब्लॉक पर आने के बाद और जो भी आपने, अब मैं आपको डायल पैड में दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें देख सकते हैं मेरा रिसेंट कॉल में आया गया वो सारे कॉल दिख रहा है, और ये मेरा कॉल सेटिंग है। एक मिनट में पीछे आ गया हूँ। तो ऐसा करते हैं, डायल पैड पे जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और इस पर जाते हैं और ये रहा ब्लॉक। तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो कॉन्टैक्ट जो मैंने सेव किया हुआ है वो नंबर मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके भी अपना नंबर जो भी आप चाहते हैं कि ब्लॉक करना तो आप कर सकते हैं। और ये प्लस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी नंबर आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये नंबर पे, और उसके बाद इसको डन पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये नंबर हमारा ब्लॉक हो गया है। तो इसी तरीके से आप ब्लॉक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं इन सभी को एक क्लिक में अनब्लॉक करूं और ब्लॉक करूं तो ये सब ऐड कर लीजिए इसमें। उसके बाद इसको एक क्लिक में अनब्लॉक हो गया, एक क्लिक में ब्लॉक हो गया। तो गाइस इसी तरीके से कर सकते हैं अपने, और इसको एक एक करके अनब्लॉक करना है तो माइनस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो इस पे से ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।